गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड्स, अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी मैं जब तक मेरा छोटा भाई उठ नहीं जाता तब तक मैं पढ़ाई करूँगा और देखते हैं आगे होता है क्या। और अभी मैं अभी उठा हूँ मैं, और आज इस साल का आखिरी दिन, देखते हैं कैसा जाता है। और कल है न्यू ईयर, करेंगे मौज मस्ती। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, अभी मैंने 1 घंटा पढ़ाई कर ली है और अभी मैं अपने पापा जी से मिलूंगा और फिर मैं नहा धो के फिर पढ़ाई करूंगा। फ्रेंड्स, अभी मैं नहा चुका हूँ, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई भी नहा चुके और मेरे पापा जी नहा धो कर ड्यूटी चले गए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम कहीं जा रहे हैं, मुझे मम्मी ने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग में देखते रहिए आगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जहाँ पे जा रहे थे अभी हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये निशांत और अभी हम है मेरी मौसी के घर पे और ये मेरा छोटा भाई मुझसे पता नहीं क्यों फोन छीन रहा है। नहीं फ्रेंड्स, मैं अपनी मौसी के घर पे ही रह गया था और मेरी नानी, मेरी मौसी और मेरी मम्मी ये सब जा चुके थे कावड़ू, क्योंकि मेरी नानी के घर पे ये फर्नीचर लेना था और मेरे छोटे भाई को गोदी लिए ले थक चुके होंगे, क्योंकि या सब फर्नीचर ले सकिया इसे संभालने। और फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अभी हो चुकी है शाम और पूरा दिन मैं और मेरी मम्मी नानी सब फर्नीचर से अलमारी बहुत भारी है जो कि नहीं उठी, 3-4 बंदों से भी। और फ्रेंड्स, ये हैं सोफे और नए सोफे और ये टेबल जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए तो मेरी मम्मी नानी ने लिए क्योंकि उनको भी पसंद आया। और फ्रेंड्स देखिए, ये है डबल बेड जो कि मैंने अभी देखा कि नानी ने बिछा भी दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है कमरे में। फ्रेंड्स, अभी हम वापस घर जाने के लिए निकल चुके हैं और हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि वहाँ से सामान लाए भी और सामान रखवाया भी नानी के घर पे। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में और नए साल में, मतलब न्यू ईयर के व्लॉग।